नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आपको भी बहुत पसीना आता है, बहुत ही पसीना आता है, हाथों से धारे बहती हैं, बगल में पूरा भीग जाता है, तो उसे कहते हैं मेडिकल भाषा में हाइपर हाइड्रोसिस। आज जानेंगे उसका इलाज के कारण, उसके जो ट्रिगर्स होते हैं, क्यों होता है। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So hyperhidrosis basically आपके शरीर को बहुत ज्यादा पसीना आने पर मजबूर कर देता है। बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है, कई लोगों को एम्बेरसमेंट होती है, तो आप जो है कई बार उसके वजह से लोगों से डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हो कि यार कौन बोले इतना बेकार सी चीज होगी मेरे साथ। लेकिन यस, इसके इलाज हैं, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हाइपर हाइड्रोसिस है क्या? आपकी बॉडी जो नॉर्मल स्वेट बनाती है, स्वेट ग्लैंड बनाती है, स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो स्वेट बनाते हैं, वो ओवर एक्टिव है, वो ओवर एक्टिव है, वो और ज्यादा पसीना बनाते हैं और कभी कभी ज्यादा बनाते हैं, कुछ जगहों पर ज्यादा बनाते हैं, बगल में ही बनाते हैं ज्यादा, हाथों में ही ज्यादा बनाते हैं, ऐसा हो सकता है दूसरे लोगों से कंपैरिजन में। तो ऐसे में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल बीमारी या कुछ इमोशन जिसके वजह से कि एंजाइटी जो ट्रिगर कर सकते हैं। जब भी आप घबरा रहे हैं, जब भी आप एंक्शियस है, जब भी आप थोड़े से उत्साहित है, आपके पसीने निकलने शुरू हो, तो ऐसे में हाइपर हाइड्रोसिस जो है कई बार एक बड़ा चैलेंज हो जाता है डे टू डे लाइफ जीने में। एग्जाम दे रहे हैं, पसीने 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 पसीने, पेपर गीला, कहते हैं एग्जाम देगा कोई, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसको मेडिकली दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है फोकल हाइपरहाइड्रोसिस, जिसमें कि कोई एक बेसिकली एक क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है। ये क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर जो जेनेटिक है, आप अपने फैमिली से लेके पैदा हुए हैं, इसमें कुछ जीन्स में म्यूटेशन देखी गई है, और इसको हम प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस भी बोलते हैं, फोकल या प्राइमरी। और ज्यादातर केसेस में जो स्वेट एक्सेसिवली करते हैं उनको यही बीमारी होती है, प्राइमरी जेनेटिक फोकल हाइपरहाइड्रोसिस। इसमें ज्यादातर स्वेटिंग होती है आपके आर्मपिट्स पे, बगलों में, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके सर पे, और ज्यादातर ये जो शुरू होती है अर्ली लाइफ में, 25 साल की उम्र से पहले पहले शुरू हो जाती है। दूसरे प्रकार की है जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस। ये क्या होता है? एक्सेसिव पसीना आपको आता है बिकॉज ऑफ अदर बीमारियां, कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज, पार्किंसन डिजीज, ऐसी बीमारियां हो सकती है जिसकी वजह से पसीना ज्यादा आता है, या फिर कोई दवाइयां आप ऐसे ले रहे हो जैसे कि नेप्रोक्सिन पेन किलर है, जिंक का कोई सप्लीमेंट आप ले रहे हो, तो उनके वजह से भी साइड इफेक्ट्स में स्वेटिंग एक्स्ट्रा हो जाती है। तो जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस को सेकेंडरी बोलते हैं, कि प्राइमरी नहीं है, इन कारणों के वजह से है, और ये जो दवाइयां जिनको बीमारी होती हैं उन्हों में होती है, सब में नहीं, तो ये बच्चों में या जवानी में नहीं होती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और अल्टीमेटली ये जो प्राइमरी ये सेकेंडरी ये हाइपरहाइड्रोसिस का कारण क्या है? देखो, स्वेटिंग तो आपकी बॉडी करती है ताकि पसीना आके आपका शरीर ठंडा कर सके, तभी वो ज्यादा गर्म हो जाती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बीमार होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे ठंडा करने के लिए पसीना पैदा किया जाता है। तो ये नसें आपके तब आपके जब आपके स्वेट ग्लैंड को बोलती है कि भाई पसीना बनाओ, पसीना बनाओ। और हाइपर हाइड्रोसिस में ये कुछ तरीके के स्वेट ग्लैंड हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, बहुत ज्यादा पसीना बना देते हैं बिकॉज ऑफ नो अपेरेंट रीजन या फिर किसी ट्रिगर्स की वजह से। तो ये बेसिक कारण है। और फोकल हाइपरहाइड्रोसिस जो है उसके ट्रिगर्स होते हैं कुछ तरीके की सुगंध, कुछ तरीके का खाना, जैसे सिट्रस फ्रूट खा लिया, कॉफी पी लिया, चॉकलेट खा लिया, पीनट बटर, कोई स्पाइसेस ले ली तो घपा घप पसीना 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 पूरा भर गया, या फिर कोई इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जाम टेंशन, या इवन अगर हीट बढ़ गई, गर्मी में आ गए तो पसीना जैसा आना चाहिए आपका कुछ ज्यादा ही आ रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई। याद रखिए, ये आपके ऑलरेडी हाइपर रिस्पॉन्सिव स्वेट ग्लैंड हैं, उसको कोई भी मौका मिले वो पसीना पसीना हो जाए, जेनेटिक प्रॉब्लम है फोकल, ठीक है, फोकल हाइपरहाइड्रोसिस। और सेकेंडरी जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस जो है एक ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन है, यानी कि अपने कंट्रोल में नहीं होता है, ये भी हीट, ह्यूमिडिटी, एक्सरसाइज वाले कंडीशंस में ज्यादा पसीना आएगा। और कुछ इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इसमें शरीर में गर्मी ज्यादा बनेगी, ज्यादा पसीना आएगा। कुछ प्रकार की मैलिग्नेंसीज, हॉजकिंस डिजीज, कैंसर जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम्स का, उनमें भी हो सकता है, यानी जब सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। और मीनोपॉज, फीमेल्स में जब महीने आने बंद होते हैं उनमें भी फिर हॉट फ्लशेस, पसीना आना शुरू हो सकता है। तो ये सेकेंडरी कॉज हुआ। अब करना क्या है? मेटाबॉलिक, देखो कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस भी हैं जिनके वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, सेकेंडरी दिक्कत, सेकेंडरी वाले पसीने आ सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था डायबिटीज है, हाइपरथायरॉयड है, या हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो हो जाना, पियोक्रोमोसाइटोमा जैसा एक बिनाइन ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड में, गाउट यानी यूरिक एसिड बढ़ जाना, और पिट्यूटरी की बीमारी, एक कुछ हार्मोनल इंबैलेंस भी, शुगर लो हो गया, ऐसे प्रॉब्लम में भी पसीना ज्यादा आ सकता है। और बहुत सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, बहुत शेर शेर आ गया, भूत देख लिया, तब भी हो सकता है। और कुछ दवाइयाँ जैसे कि ब्रूफिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, इंसुलिन,
इनसे भी पसीना आ सकता है। और सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस ही है वो, अगर मेडिकल कंडीशंस या दवाइयों की वजह से पसीना आ रहा है, वो क्यों होता है ऐसा, इसका कारण अभी नहीं पता है, कुछ जगहों पे होता है, ठीक है। अब क्या ये फैमिलीज में पास डाउन होता है? जी हाँ होता है, जैसे हमने बताया फोकल हाइपरहाइड्रोसिस जो है उसका जेनेटिक लिंक है और बहुत कॉमन है, फैमिली में आपके माता पिता किसी को था, आपको भी हो गया, तो ध्यान रखें। उसके बाद क्या सिम्टम हो सकते हैं, बस पसीना माइनर भी हो सकता है और बहुत ज्यादा पसीना 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 हो गया, इतना कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, चैलेंज हो रहा है आपको, ये भी हो सकता है। और अलग अलग लोगों को अलग अलग होगा, किसी को होगा आपके अंडर आर्म्स में ज्यादा होगा, किसी के बैक में ज्यादा होगा, किसी के शर्ट में ज्यादा होगा, किसी के किसी के चीक में, किसी के फोर एंड में, किसी के हाथों में, किसी के सॉक्स में, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह लोगों को हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। एक्सेसिव स्वेटिंग अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे तो पसीना जमा होने की वजह से इचिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, उस एरिया में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, गलत बदबू आ सकती है, बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्वेट एंड बैक्टीरिया और कई डिओड्रेंट्स जो हैं वो मार्क भी लगा सकते हैं आपके क्लोथ्स के ऊपर। स्किन चेंजेस हो सकते हैं, स्किन आपकी या तो डिस्कलर हो सकती है या पेल आ सकती है, सफ़ेद हो सकती है, क्रैक्स या रिंकल्स आ सकते हैं, और कई बार मैसरेशंस हो सकते हैं, मतलब अनयूजुअली सॉफ्ट या डिसइंटीग्रेटेड स्किन हो सकती है, जैसे आपके सोल्स पे हो जाती है कई बार, तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप इसे मैनेज ना करें। फोकल हाइपरहाइड्रोसिस का एक फीचर है कि ये दोनों साइड्स पे होते हैं, एक हाथ में, दोनों हाथ में, दोनों जगह होगा, और इसमें नाइट में, रात में कोई स्वेट नहीं होता है, और ये बिना किसी ट्रीटमेंट के भी कई बार चला जाता है, बिना किसी ट्रीटमेंट के नहीं जाता, नहीं ठीक होता। फोकल हाइपरहाइड्रोसिस जो है बिना ट्रीटमेंट के ठीक ही नहीं होता, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना, जेनेटिक प्रॉब्लम है। और जिसको जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस है वो नींद में भी उनकी पसीना आ सकता है, क्योंकि बीमारी की वजह से है, दवाई के साइड इफेक्ट्स में है, तो नींद में पसीना आ रहा है जनरलाइज होगा, कोई बीमारी ढूंढिए, वैसी पसीना आ रहा है फोकल हाइपरहाइड्रोसिस होगा, उसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए। क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या हो सकता है? अच्छा, हाइपरहाइड्रोसिस में मैंने आपको बता दिया आर्मपिट, सोल, फेस, लोअर बैक, जेनिटल्स, अपर साइड ऑफ पाम्स, ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं। क्या इसमें बदबू आती है? बिल्कुल आ सकती है बदबू, कि बैक्टीरिया ग्रो करते हैं स्वेट पे और स्वेट को ब्रेक डाउन करके उसको बड़ी गंदी सी बदबू आती है, पसीने की बदबू। कई लोगों को अच्छी भी लगती है, किसी को बुरी भी लगती है। इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? जिनको भी एक्सेसिव पसीना आता है, अनकंफर्टेबल होते हैं, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके आपको डायग्नोस आराम से कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? टेस्टिंग है क्या कोई? जी हाँ, इसमें नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, दूसरी मेडिकल बीमारियों को ढूंढने के लिए, डायबिटीज, थायराइड की, वो कई बीमारी तो नहीं है, और आपके स्वेट के लिए भी टेस्ट किए जा सकते हैं कि आपका पसीना आता कितना है। उसके लिए दो तीन प्रकार के टेस्ट हैं, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, पेपर टेस्ट। इसमें आपके डॉक्टर स्टार्च आयोडीन का सलूशन एक आपको देंगे कि वो आप अपने स्वेटी एरिया पे लगाएं और उसके ऊपर स्टार्च थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, तो अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो वहां पर सलूशन जो है ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। पेपर टेस्ट में आपको एक स्पेशल पेपर दिया जाता है जो स्वेट एब्जॉर्ब करता है, लेटर ऑन आपके डॉक्टर उस पेपर का वेट चेक करके बोल सकते हैं कि कितना पसीना आया, वजन बढ़ गया पसीना के वजह से। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? फोकल जेनेटिक हाइपरहाइड्रोसिस का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, बट आपके टेम्पररी रिड्यूस किया जा सकता है आपके सिम्टम को, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, जी पाओ, ऐसा नहीं कि पसीने के पसीने वाटर पंप होके घूम रहे हो, वो भी नहीं हो सकता ना। और अगर कोई सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस है तो उसकी बैकएंड में जो कारण है, डायबिटीज है, थायराइड है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको ठीक करेंगे तो सेकेंडरी कारण अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एक नंबर एक, लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें जो बेस्ट डॉक्टर आपके लिए हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको ब्रीदेबल क्लोथ्स, ऐसे फैब्रिक पहनना है जिसमें हवा पास हो सके और ताकि पसीना सूख सके, ठीक है, ऐसा लेदर जैकेट पहन पहन के नहीं घूमना है, इससे भी कई माइनर इश्यूज वाले वैसे ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में भी अगर दिक्कत बढ़ती जा रही है तो आप क्या करें, एल्यूमिनियम बेस्ड एंटी परस्पिरेंट आते हैं, राइट, वो जो है अब एल्यूमिनियम बेस्ड ही होते हैं और बिना एल्यूमिनियम के एंटी परस्पिरेंट नहीं आते, फिर वो डिओडोरेंट होते हैं। डिओडोरेंट, प्लेन डिओडोरेंट जो है वो पसीने की बदबू हटाएंगे, पसीने को नहीं, तो एल्यूमिनियम बेस्ड एंटी परस्पिरेंट पसीना आने को रोकते हैं, ये सील कर देते हैं स्वेट ग्लैंड को ताकि आपकी बॉडी पसीना ना बना सके। इसके वजह से मेजरली कोई लोकली साइड इफेक्ट नहीं होता है, बस एक कुछ लोगों को स्किन इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं। एल्यूमिनियम का लॉन्ग टर्म पे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो कुछ ओरल मेडिसिन भी आती हैं। ओरल मेडिसिन जो होती हैं वो ग्लाइकोपाइरोलेट और ऑक्सीबुटिनिन एंटी कोलिनर्जिक दवाइयां हैं, जिनको लेने से एल्यूमिनियम बेस एंटी परस्पिरेंट और बेहतर काम करते हैं। और कई बार बिकॉज आपके एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से आपके आ रहे थे पसीने खूब सारे, तो एंटी डिप्रेसेंट या बीटा ब्लॉकर्स भी आपको शांत करने के लिए दिए जा सकते हैं कि भाई आप शांत रहोगे, पसीना नहीं आएगा, चिंता नहीं करोगे, स्ट्रेस नहीं होगा। कई बार कुछ ऐसे क्लिनिकल ग्रेड क्लॉथ वाइप्स भी आते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने बगलों में, जहां पे आ रहा है वहां पर उसको पोछने, जितनी बार पोछते हैं थोड़ी दवा लगती है, थोड़ा सा और कम पसीना आने के चांसेस होते हैं।
अगर फिर भी नहीं वो ठीक हो रहा तो स्पेशलाइज्ड थेरेपी है। क्या क्या? एक होती है ऑन्टोफोरोसिस। ऑन्टोफोरोसिस में आपको इस प्रकार के शैलो टब या वाटर, इसके अंदर हाथ या पैर रख के स्पेशल डिवाइस होता है जो बहुत लो इलेक्ट्रिकल करंट जो है पानी के थ्रू छोड़ देता है, जिससे कि स्वेट ग्लैंड जो है बार 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 ऐसा करते हैं, हल्का हल्का करंट मारते हैं, स्वेट ग्लैंड जो है आपके ब्लॉक हो जाते हैं। इसके कई बार 10 से 20 मिनट तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स आपको लेना होता है। बोटॉक्स इंजेक्शन लगा सकते हैं आप अपने बगलों में, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बोटॉक्स इंजेक्शन लगा सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव थेरेपी यूज कर सकते हैं इस प्रकार मशीनों से। माइक्रोवेव थेरेपी और बोटॉक्स इंजेक्शन से बस इतना कर रहे हैं कि ओवर एक्टिव नसें जो हैं या ओवर एक्टिव स्वेट ग्लैंड जो हैं वो उनको परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि वहां पसीना आए ही ना या कम आए। तो इसके भी मल्टीपल थेरेपीज होती हैं माइक्रोवेव से और बोटॉक्स के, तो ये भी किया जा सकता है। और सर्जरी भी होती है। सर्जरी में अगर कोई और ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो सर्जन जो है आपके जो एक्सेसिव स्वेटिंग वाले स्वेट ग्लैंड होते हैं उनको ही पूरे को निकाल देते हैं। तो इसको या फिर एक सिंपथेटिक टॉमी वाली भी सर्जरी होती है, या तो स्वेट ग्लैंड ही निकाल दो या फिर उसको लाने वाली जो जो नस है जिससे उसको ऑर्डर मिलता है दिमाग से कि भाई पसीना निकालो, उसी को वहां वाली नस को ही काट दो, तो वो भी सर्जरी होती है, उससे भी रिलीफ मिलता है कुछ लोगों को। तो बहुत से ऑप्शंस हैं, पर सर्जरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट भी देता है जिनको दूसरे किसी ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा। तो बिल्कुल पोस्ट सर्जरी जो है कई बार ऐसा जरूर होता है साइड इफेक्ट्स लाइक स्वेटिंग दूसरे एरिया में शुरू हो जाती है जहां पर सर्जरी नहीं की। इसे कई बार कहते हैं कॉम्पनसेटरी हाइपरहाइड्रोसिस। इसके लिए फिर आपके अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि भाई आप सर्जरी करा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट क्या है, आगे क्या इशू आ सकता है। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आप नहीं ट्रीटमेंट कराते कोई भी, तो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, मेंटली एग्जॉर्शन हो सकता है, एम्बेरसमेंट हो सकता है, और एक्सट्रीम आपको कई बार अगर आपके डॉक्टर आपको, मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हो रहा है, पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है मेरी तो ऐसी बीमारी है, भाई तो पसीना आए, छाती में दर्द है साथ में, तो जाके आपको दिल के चेकअप भी कराने जरूरी है। तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है पसीना, राइट? सो ये बहुत जरूरी है। टेक्निकली इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है, बस खुले कपड़े पहने, नेगेटिविटी जो है अपने इम्पैक्ट को बचाएं, अपना पॉजिटिव सोचें और अपने इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए डॉक्टर से बात करें। तो ये हुआ पूरा का पूरा हाइपरहाइड्रोसिस पे। अगर आपको पसंद आया है तो पहले लाइक का बटन दबाएं, पसंद नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं क्या नहीं पसंद आया, हम उसे सुधारेंगे, और शेयर का बटन दबाएं, और अगर आपको पसंद आया है सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज हम आपके सामने लाते रहें। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड।